चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब से ये बड़ी खबर, राजनीतिक रूप से बड़ा घटनाक्रम, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी जो है वो मिल रही है, जिसमें पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय हो सकता है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, वो बीजेपी में विलय कर सकते हैं और जल्द कैप्टन अमरिंदर सिंह इसकी औपचारिक घोषणा, इसका औपचारिक ऐलान भी करने वाले हैं। ये बड़ी खबर जो है वो मिल रही है सूत्रों के हवाले से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी का विलय करने की तैयारी कर रहे हैं। अनिल है हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अनिल बताएं, ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा, हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजनीतिक लिहाज से देखें तो उनके पास फिलहाल कोई नंबर तो है नहीं और बीजेपी भी किसी खास परिस्थिति पर बैठी नहीं है, तो ऐसे में इनका विलय हो जाना किन मायनों में खास और किन मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अरुण, क्योंकि पंजाब लोक कांग्रेस का गठबंधन था, अभी पिछले 2021 से पंजाब के चुनाव की बात की जाए, कुछ बड़ा असर नहीं रहा इस गठबंधन का, लेकिन अब चर्चा ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पंजाब लोक कांग्रेस का विलय जो है वो भाजपा में करने जा रहे हैं। इस माह तक ये फैसला लिया जा सकता। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह विदेश में हैं और उनके वापस आने की तैयारी शुरू हो गई है, उनके वापस आने के बाद फैसला लिया जाएगा। इस विलय के बाद जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में की सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है 2024 के चुनाव को देखते हुए, लोकसभा के, क्योंकि 13 के करीब सीटें हैं पंजाब में लोकसभा की, उनको देखते हुए भारत जो केंद्र सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह को दी जा सकती है। और अभी कुछ ही दिन पहले बात की जाए तो चार पूर्व मंत्री जो हैं, जिनमें राजकुमार बेरता थे, बलबीर सिद्धू थे, श्याम सुंदर अरोड़ा और गुरप्रीत कांगर थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, जिसके पीछे भी कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बड़ा हाथ था। तो ऐसे में आने वाले जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उनके मद्देनजर जो ये विलय होने जा रहा है, और इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। बिल्कुल, इसमें अगर इस तरीके से कोई कदम उठाया जाता है, क्योंकि आप देखें कि चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा, लेकिन विलय उस वक्त वो नहीं कर रहे थे क्योंकि समझ रहे थे कि अगर अभी विलय किया तो पंजाब के लोगों में गलत मैसेज जाएगा। 3 कृषि कानून नए नए वापस ही हुए थे, उनका आंदोलन जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना हुआ नहीं था, तो ये तमाम परिस्थितियाँ अब जो है क्या कैप्टन अमरिंदर को अपने फेवर में लग रही हैं कि अगर वो बीजेपी में विलय कर जाते हैं, यानी कि बीजेपी के ही हो जाते हैं, तो उसमें उनके लिए काम करना थोड़ा आसान रहेगा? बिल्कुल, देखिए बारून, और अब से पहले जो जिस तरीके से 4 पूर्व मंत्रियों की तरफ को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया गया है, सभी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, अभी कोई भी नंबर नहीं है विधानसभा में पंजाब लोक कांग्रेस के पास। ऐसे में अब अगर और 2025 तक का वेट किया जाता है, अगले चुनाव तक का वेट किया जाता है, तो काफी नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। और अभी बिल्कुल सही समय है, पहले कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के चलते काफी गुस्सा भी था, यही कारण था कि विलय भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ था, लेकिन उस दौरान भी कई कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो करीबी लोग थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो है ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही कैप्टन अमरिंदर सिंह इसका औपचारिक ऐलान भी कर देंगे, और इससे पहले ही कैप्टन अमरिंदर की कैबिनेट में रहे 4 मंत्री बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी का विलय जो है वो बीजेपी में करा देंगे, तो यानी कि दूसरे रास्ते से बीजेपी में आने का अब जो है सिलसिला शुरू हो गया है, और इस प्रक्रिया में जल्द ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐलान इसका औपचारिक रूप से करने वाले हैं। तो 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये बड़ा फैसला कैप्टन अमरिंदर का भी और बीजेपी का भी बड़ा राजनीतिक कदम जो है वो इसे कहा जा सकता है कि अगर वो इस तरीके से विलय करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पंजाब की जो राजनीतिक जो सियासत है वो अलग करवट ले सकती है।